शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख जरूरतमंदों को राशन की किट नहीं मिलने की शिकायत जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार इन्होंने जिलाधीश से की है, जिसके चलते जिलाधीश ने आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख जरूरतमंदों को राशन किट नहीं मिलने की शिकायत जय जवान जय किसान संगठन ने की है। संगठन ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को निवेदन सौंपा है। जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को आवश्यक अनाज वितरण करने का निर्देश प्रशासन को दिया है। संगठन के संयोजक प्रशांत पवार के अनुसार सरकार ने तहसीलदार के माध्यम से हर गांव में जरूरतमंदों को राशन वितरण की जो व्यवस्था की है उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने जरूरतमंद नागरिकों के नामों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, तब उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन सूची तैयार होने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। जिलाधिकारी ठाकरे ने राशन वितरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस समय में हमारे साथ में जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार हैं, जिन्होंने इस पूरे बारे घटना के बारे में जानकारी दी है। आइए सुनते हैं फोनों के माध्यम से उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, इस समय में हमारे साथ में जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे। प्रशांत पवार जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, सुन रहे। प्रशांत जी, ये बताए कि जिस तरह से आपने ये कहा है कि 5 लाख जरूरतमंदों तक अभी भी राशन किट नहीं पहुंची है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, जब सरकार ने बोला है कि हर आदमी के घर में अनाज पहुंचना चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए और 3 महीने का पहुंचना चाहिए, अगर किसी का राशन कार्ड अगर दूसरी जगह पे है और वो लॉकडाउन में अगर कहीं पे रुका हुआ है तो वो उसकी गलती नहीं है ना, उसके घर में तो राशन पहुंचना ही चाहिए। आप लॉकडाउन के अंदर में किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए हमारी ये मांग थी कि सरकार ने बोलने के बाद आप क्यों नहीं दे रहे हैं। नागपुर शहर में कम से कम 5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में राशन नहीं पहुंचा है अभी तक के, और हमारे पास में हर चीज की लिस्ट है बनी हुई। इसलिए हमारी जिलाधिकारी साहब से मांग थी कि आप ऐसा इमीडिएटली ये करो करके। जब आप नागपुर के जिलाधीश इनसे मिले, उन्होंने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के अंदर के ऐसी कौन सी बातें थी जो खासतौर पे उसके ऊपर में मेंशन की गई थी? जिलाधिकारी साहब का कहना ऐसा था कि हमारे को बजट में अभी तक के आया नहीं है कि ये फ्री में दो करके। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्री में देने के लिए, तो महाराष्ट्र सरकार फ्री में क्यों नहीं दे रही है? लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास आना चाहिए ना। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के पास में पूरा राशन का ये आया हुआ है, पूरा अनाज आया, धान्य आया हुआ है, लेकिन वो दे नहीं रहे ना। उनको यही मालूम नहीं कि कौन से इसमें क्या देना है, क्योंकि प्रशासन में और सरकार में बहुत फर्क है, क्योंकि वो उसका नहीं सुन रहा है, वो उसका नहीं सुन रहा है। अब नागपुर शहर में ही दो अथॉरिटीज है, 3-3 अथॉरिटीज है, वो बोलता है ये बंद करो, वो बोलता है वो चालू करो। हमारा ये कहना है कि आप हर जगह पे जाओ और वहां से जितने लोगों को राशन नहीं मिला वहां पे इमीडिएट राशन दो। और कुछ कहना चाहोगे प्रशांत पवार जी? हम मंगलवार तक के राह देखने वाले, अगर मंगलवार को इन लोगों ने राशन अगर हर किसी के घर में नहीं पहुंचाया जी, तो हम बहुत तीव्र आंदोलन करके जिनको जिनको राशन नहीं मिला आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ कि सबके सब जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हो जाए, चाहे वो डिस्टेंसिंग रहे नहीं तो डिस्टेंसिंग रहे। आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा बिना इसके, जो सरकार ने जब बोलने के बाद में उनके घर में हर किसी के घर में राशन पहुंचना ही चाहिए, ये जिम्मेदारी नागपुर जिलाधिकारी की है। उसने हर जगह पे अपने तहसीलदार भेज के जो सर्वे भी कर रहे हैं, वो इतने धूप में कौन सर्वे करने वाला है? हमने तो लिस्ट भी दी है उनको कि इनके यहाँ पे राशन नहीं पहुंचाया करके, ऐसे हमारे पास में बहुत सारी लिस्ट है। अगर वो मंडे ट्यूजडे तक के नहीं दिए तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। तो इस तरह की जिला प्रशासन की कड़ी आलोचना की है प्रशांत पवार इन्होंने। इनका ये मानना है कि अब तक के 5 लाख लोगों को जिस प्रकार से राशन किट का वितरण जो किया जाना था वो सरकार की ओर से नहीं किया गया है, इससे कई लोग भूखे पैसे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की मार झेल रहे लोग वैसे भी लॉकडाउन के चलते मर रहे हैं, लेकिन अब
सरकार और जिला प्रशासन यदि इस बात को नजरअंदाज करती है और इनके बातों को अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में, जैसे कि मंगलवार का इन्होंने एक समय निर्धारित किया है, मंगलवार के दिन प्रशांत पवार इनके नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग जिलाधीश को ज्ञापन देंगे और वहां आंदोलन भी करने की चेतावनी इस समय जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार इन्होंने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने इन विषय के समक्ष बातचीत की, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5 लाख जरूरतमंदों को नहीं पहुंच पाई राशन किट, जिलाधिकारी ने दिया आपूर्ति के निर्देश। नागपुर के जिलाधि कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज नागपुर।